जय बद्री विशाल, आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहें। और कविता बिष्ट ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के नंदा नगर भांसबगड़ से। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता ही है कि आजकल हमारे यानी कि मेरे ससुराल में नवरात्रे की पूजा चल रही है, जिसको नौरता भी कहते हैं। और आज है सप्तमी का दिन। तो पार्ट वन तो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, तो ये है इसका पार्ट टू, यानी कि रात्रि की पूजा, जो रात रात में देवी देवता नाचते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आज अतिथि रूप में आने वाले हैं यहाँ पे कुछ खास लोग, वो मैं आपको वहीं मंदिर में जा कर के दिखाऊंगी कि कौन लोग आज मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं हमारी गौरजा माई के दर्शन के लिए। तो ले चलती हूँ मैं आपको अभी सीधा मंदिर में, और वहाँ पे जाके दिखाऊंगी आज की रात्रि का नृत्य। तो आप लोग ब्लॉग में यूं ही बने रहना, मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी शक्तिभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता पुरावाण वो उनका और प्रयत्न करने का कष्ट करेंगे। तो बहुत बहुत जोरदार तालियां आप लोग तालियां से। मैं अपने बीच में अपने प्रकाश डायनामाइट से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पहुंचे और हमारे जो प्रमुख प्रतिनिधि
पूछनी है। भगवानी बागेश्वरी माता, हाथ से लो, हाथ से चक्र संभालो, पाँव दाबो, माता शक्ति जो है की इस माटी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत इच्छा थी लेकिन समय भाव के कारण व्यस्तम कार्यक्रम था, लेकिन मैं आज आभारी हूँ हमारे आदरणीय प्रकाश मेंदोली जी का, आदरणीय श्री महावीर सिंह बिस्ट जी का। ये आज सुबह मेरे घर पर पहुंचे थे मुझे, क्योंकि सुतोल जाना था और कल सुबह मुझे देहरादून जाना है, परसों को मेरा दिल्ली का कार्यक्रम है। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं जहां भाव होता श्रद्धा का वहां रास्ते मिल जाते हैं, और मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला। आज इस देवस्थली पर महाराज श्री गुरुदेव भवानी के इस अनुष्ठान में, इस देव कार्य में यहाँ पर उपस्थित इस गांव की हमारी बहुत ही सम्मानित प्रधान बहन आदरणीय श्रीमती वीणा देवी जी, हमारी क्षेत्र पंचायत के बहुत ही सम्मानित सदस्य आदरणीय श्री भोपाल सिंह बिस्ट जी करूँगा। इसके अलावा जो रास्ते की आपने बात की है, निश्चित रूप से इसका एक प्रस्ताव मैं तैयार करके अब तो इसको आपदा मत से हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं इसको देख करके इस पर भी अगली कार्रवाई करूँगा। यहाँ पर जो मंदिर के प्रांगण की बात है, मंदिर के प्रांगण के लिए मैं ये चाहूँगा कि फिलहाल यहाँ पर जैसे ये ठंड का मौका है, कभी प्रसाद के टाइम पर कोई हमारे इस प्रकार के देव कार्य होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, तो उसके लिए एक रेन सेट की मैं इस समय घोषणा कर रहा हूँ, ताकि अगली बार हम ऐसे छत के नीचे बैठें ताकि हमारा एक स्थाई वहाँ पर हमारा छत बने। और इसके अलावा
और अंत में मैं ये कह करके अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। 12 बजेगी अभी सिमली जानती हुई घंटा लगाने वाले और सवेरे सुपौल में बहुत ठंड थी और उस ठंड से भी क्योंकि उम्र का एक असर होता है। मैं रात के कार्यक्रम में नहीं जाता हूँ, रामला हो चाहे कुछ भी, लेकिन फिर भी आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का अपना भावना है और हमारे विश जी की और हमारे आदरणीय महेंद्र जी का मैं उनको मना नहीं कर सकता। अन्यथा हो सकता कि मेरे पास इस प्रकार का समय नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे देव दर्शन करना होगा, माँ भगवती का दर्शन करना होगा, गुरुदेव माई का आशीर्वाद लेना होगा और मैं यहाँ तक आया। मैं एक बार अपने सभी जितने भी हमारे यहाँ पर देवताओं के परसवा बैठे हैं, मेरी माता शक्ति बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, गांव वाले बैठे हैं, कई ध्यानें आए होंगी, जब इस प्रकार के काम होते हैं हमारी ध्यानें आती हैं, हमारे इष्ट मित्रगण आते हैं, आप सब लोग को और ये जो मेरे साथ आए हैं मंच पर बैठे हुए हैं सब लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए एक बार प्रेम से बोला मिले माँ गुर्जा भवानी की, माँ गुर्जा भवानी की, सभी भक्त जनों की। और मैं माँ गुर्जा भवानी से प्रार्थना करता हूँ इस क्षेत्र की, इस गांव की, अपने ध्यानियों की, हमारे जो भाई भारत है उनकी सबकी सुख समृद्धि की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी के लिए यही मनोकामना करूंगी, जो भी भक्तगण यहाँ पे आए हैं उनकी झोली भर दें। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए यहीं पे
विराम देती हूँ। जय गुर्जर माए बीच गाँव मारेंदी माँ बीच गाँव मारेंदी तेरा मंदिर मेरी माता कन सोना लगेंदी मेरी माता जगदम्बे मेरी दुर्गे भवानी मेरी माता आवा भक्त आवा हाँ आवा भक्त आवा जती तुम्हें अल भक्त जती तुम्हें अल भक्त झोली भर ले जाला मेरी माता जगदम्बे मेरी दुर्गे भवानी मेरी माता बिच गाँव मारेंदी माँ बिच गाँव मारेंदी बिच गाँव मारेंदी। तुम चलने का हौसला तो करो दिशाएं बहुत है कांटों की फिक्र मत करो तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से होते हैं। जो निखर के बिखर जाए वो कर्तव्य है और जो बिखर के निखर जाए वो व्यक्तित्व है। तो बिना कथ का पान अरे बिना नैन की त्रिया ना भली अरे बिना मुझ का ज्वान अरे राम नाम हो हाय राम नाम सबको जप दा रावण की जप दू कोई पर तेरा भेना सो साठ पर मेरी शाही तुई आहा आहा मोहना तेरी मुरली बजे गल बनो का संग आहा नन गल भी होनी चन आहा मोहना तेरी मुरली बजे गल अरे लप लपी तोड़े तोड़े लप लपी तोड़ अरे तेरी माया अदानो मार गले ख्याल ने खोल आहा मोहन तेरी मुरली बजे गल बनो का संग आहा लोग बिचारा माया लगन गल भी होनी चन आहा मोहन तेरी मुरली बजे गल बनो का संग अरे वारे ये सर जो पारे ये पहनारा अरे जय की माया अदानो मा परस्वी हंदो पारा आहा मोहना तेरी मुरली बजे गल बनो का संग आहा लोग बिचारा माया लगन गद भी होनी छन प्रभु अरे तुम्हारी छत्र छाया मा अरे सिल्की बांध की प्रेम माया मा अरे इना हुए ने हाल अरे तू पापड़ी का छत्तीसगढ़ मा मेरी आखिर रेक हुए गे लीला रे
नौ हाथ नौ दीवान की जोत धर्म की रंग वो सुनियाल मेरे माँ जोत मणिया आज सुनियाल मेरे माँ जोत मणिया मैं जा रहे सिल की बात का अधूरो हाँ पे हाथ डांगुरी ले कितने सिल की का धोरो सच्ची पौन पंचा बेले कितने सिल की का धोरो ये माँ जोंद मरी जा मैं सिल की का धोरो ये माँ चार बाटा था चुलित सिल की का धोरो धन्यवाद दोस्तों पहुंच चुके हैं हम पूजा मंदिर से घर पे। तो आज का कार्यक्रम जैसे कि आप मैंने आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से दिखाई दिया है कि कौन कौन आए थे और क्या क्या हुआ और कैसा नृत्य आज हमारे मंदिर में चला और कई लोगों ने भजन कीर्तन भी गाए। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ नई चीज़ें लेकर के। तब तक के लिए जय बद्री विशाल। और दोस्तों आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं सब लोग आ चुके हैं मंदिर से और ये देखिए कुछ लोग तो सोने का ड्रामा कर रहे हैं और कुछ लोग सो चुके हैं और कुछ लोग इधर फोन चला रहे हैं। ये देखिए सब सो चुके हैं और मैंने आते ही लगा दिया था हीटर क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। तो अब गुड नाइट स्वीट ड्रीम बाय बाय।